तो गाइस फाइनली अब सोलो सिक्वा का ये कैरेक्टर एंड होने वाला, जो कि अभी तक न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिक्वा बन के घूम रहे थे, क्योंकि गाइस अब फाइनली द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अपना रिटर्न करने वाले हैं WWE में। एंड देन गाइस फाइनली द बिग डॉग का भी कैरेक्टर हमें रिटर्न करता हुआ नजर आ गया एक फैंस के सामने। तो गाइस बहुत कुछ घटा है इस वीक रोमन रेंस के साथ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि कमाल की वीडियो होने वाली है। एंड गाइस हाँ, अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सारे लोग। तो गाइस सोलो सिक्वा अभी तक अपने आप को WWE के न्यू ट्राइबल चीफ बताते हुए घूम रहे हैं। एंड गाइस सोलो सिक्वा को देख के ऐसा लग भी रहा है कि वो रोमन रेंस का हूबहू कॉपी करना चाहते हैं, बट रोमन रेंस वो बन नहीं पाएंगे। एंड देन गाइस फाइनली अब रोमन रेंस का रिटर्न बहुत ही जल्द होने वाला है WWE में, क्योंकि गाइस इसके बाद मनी इन द बैंक प्रीमियम इवेंट है। एंड देन उसके बाद से आपको देखने को मिलने वाला है WWE का वन ऑफ द बिगेस्ट शो समर स्लैम क्लीवलैंड में। एंड गाइज वहाँ पे रोमन रेंस उससे पहले रिटर्न कर सकते हैं एंड गाइज सोलो सिक्वा को कन्फ्रंट कर सकते हैं। बट वो तो बात रही समर स्लैम की, बट आपको बता दूँ गाइज रोमन रेंस फाइनली एक फैंस का जो है वो ड्रीम पूरा करते हैं। एक फैन है जो कि एक पेशेंट थी एंड गाइज उसको कैंसर हुआ था और वो बैड बनी की फैन थी और वो चाहती थी कि वो रोमन रेंस के साथ जाए बैड बनी से मिलने। एंड रोमन रेंस क्या करते हैं, रोमन रेंस भी उस फैन के इस पूरे मीट एंड ग्रीट वाले सीन को करते हैं। एंड फाइनली रोमन रेंस चले जाते हैं बैड से मिलने के लिए उस फैन को लेकर के। एंड गाइज उस फैन का ड्रीम भी कंप्लीट हो जाता है। ये तो बात रही रोमन रेंस के बिग डॉग के कैरेक्टर की, बट अब एक्चुअल बात करें द ट्राइबल चीफ कैरेक्टर की रोमन रेंस की। तो गाइज वो फाइनली रिटर्न करता हुआ नजर आएगा एक बार फिर से, आपको रोमन रेंस एज ए ट्राइबल चीफ ही देखने को मिलेंगे। अभी बिग डॉग वाली कैरेक्टर WWE में नहीं आने वाली है, क्योंकि गाइज WWE के बिहाइंड द सीन्स जो हैं, जो क्रिएटिव प्लान्स हैं रोमन रेंस को लेकर के, ये फाइनली कुछ लीक हो चुके हैं। एंड गाइज उसमें रोमन रेंस कहीं पर भी बिग डॉग वाले कैरेक्टर में मेंशन नहीं है। एंड देन गाइज फाइनली वो ट्राइबल चीफ के ही गिमिक में अपना वर्क करने वाले हैं, बट WWE के क्रिएटिव प्लान जो हैं वो रोमन रेंस को और भी एक बिगेस्ट हील बनाने का है। तो गाइज अब ये आप सोच सकते हैं कि रोमन रेंस इज नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं और भी। अभी तक तो रोमन रेंस का एक कैरेक्टर था ट्राइबल चीफ का, जो कि रोमन रेंस को एक गॉड लेवल पे ले गया, बट ये जो ट्राइबल चीफ के बाद वाला कैरेक्टर आने वाला है ये नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। तो गाइज वैसे अगर रोमन रेंस नेक्स्ट लेवल पे आते हैं WWE भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। एंड गाइज आप कमेंट करके बताइए आपको क्या कैसा लगा ये रोमन रेंस का जो मीट एंड ग्रीट का था, अपने फैंस से मिलना एंड उसके ड्रीम को पूरा करना। एंड गाइज आपको क्या लगता है कि द रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर बढ़िया या बिग डॉग वाला, आप कौन सा कैरेक्टर देखना चाहेंगे? चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग वीडियो।